जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इब्तदाए रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो लंग भेद खूब जानता है, देखती हूँ को और सुनते गानों को मेरी तरफ से बेताशा दुआ सलाम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और भरपूर की ज़िंदगी बस और पुरसकून की ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और काफ़ी टाइम हो गया, संडे वाला दिन होता है तो बेतहाशा किस्म का काम हो जाते हैं और ख़ास तौर पर नाश्ता ख़त्म नहीं होता है। ये भी इधर बन रही है जी चाय और इधर मैं दूध बॉयल करती हूँ और बच्चों के ज़रा शोर देखे मस्तियाँ कर रहे हैं और सुबह का टाइम उठे ही काम होने का समझे और ये मचाया हुआ है बंद ठीक है, सबक पढ़ रहे हैं फिलहाल। तोते क्या कर रहे हैं, तोते बैठे बर्तनों के बारे में तो कुछ पूछे ही नहीं ना, हर 10 मिनट के बाद कुछ ना कुछ हो ही जाता है, बर्तनों का गंद मन स्टार्ट हो जाता है। और आज मैं आपको सारे दिन की रूटीन बताऊंगी कि आज थोड़ा थोड़ा सा करके कि सारा दिन आज हम क्या करते हैं ठीक है। फाइनली किचन का कर लिया है और ख़त्म हो गया, बिस्तरे वगैरह भी सीधे कर दिए, सारा कुछ हो गया। और आज मैंने खुद धोए हैं ज़रा वाशरूम, देखिए ज़रा कितने अच्छे लग रहे हैं, चमक रहा है ठीक है, लोटे छोटे सारा कुछ। ये अपना धोया ये आज एक आज और एक आज ये वाला धोया, दूसरे वाला तीसरा भी धोऊंगी लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी, काफ़ी देर हो गई है तो साफ सुथरे नीट के लिए। और जो काम वाली करके जाती है उसका ख्वार कान पकड़े बंदा, कोई हालात नहीं कोई तरीके से, ना सफाई ना कोई ना कुछ। खुद कसम से एक दिन दो तो 4 दिन ना भी दो, मैं कहती हाथ भी नहीं लगाओ सिर खाली पानी गिरा के दो तो ज़बरदस्त हो जाता है। और फिर मुड़ के भांडे भूडे हो गए हैं, आलू घर में छीन रही हूँ इनका, आलू का भुजिया बनाऊँगी, ये भी बताऊँगी आज कैसे बनाते हैं ज़रा अपने स्टाइल में। अच्छा ये अपने बेटे से मैंने मंगवाए हैं टमाटर 350 रुपये के 2 किलो, ये देखें ठीक है। और हरी मिर्चें भी लाई हैं इसमें, मेरे ख्याल से 400 का ये 400 का ये सामान आया है खाली। और आलू मैं काट रही हूँ, आलू जब काटते हैं कोई भी सब्ज़ी वगैरह करते हैं तो एक ही शेप ही काटा करें ताकि एक ही टाइम ले और एक ही वक्त ले ठीक है। और जब एक शेप के होंगे तो टाइम भी उतना लगेगा जितना ये चाहते हैं सारा गलने में ठीक है। चलें जी आलू काट के एक जैसी शेप में तकरीबन होंगे 1 kg ठीक है, मैंने कहा बना दूं, बच्चा नहीं बच्चे अगर खाएंगे नहीं खाएंगे फिर देखा जाएगा। वैसे दिन को हम खाना कम ही खाते हैं क्योंकि लेट नाश्ता करते हैं, एक 2 दिन छुट्टी होती है हफ्ता और इतवार। ये मेरे पास 4-5 हरी मिर्चें हैं, ये मैंने दरमियान से 2 पीस कर लिए काट के ऐसे ही उसको सेपरेट रखा है। मेरे पास 3 टमाटर हैं ठीक है, और चुटकी सी मैंने रखी है मेथी और 4-5 लौंग रखे हैं, उसपे ज़रूरत नमक है और साथ डाला है चुटकी से मैंने डाला है ये सफ़ेद ज़ीरा रखा है और रेड मिर्च है सुर्ख मिर्च जिसको कहते हैं वो है 1/2 चम्मच से भी कम यानी कि 1/4 हिस्सा और 1/4 हिस्सा है ये हल्दी ठीक है। यही है ज़बरदस्त, एक दफ़ा बनाएंगे
तो बार बार इसको बना के आप खाएंगे। ना तो इसमें प्याज डलता है, ना लहसुन डलता है, एक्स्ट्रा मसाले वगैरह नहीं है। और यकीन करें इतने मज़े की है कि आप पकाएंगे तो आपको पता चलेगा। और मैंने छोटा कप ऑयल का डाल दिया, अब ये गर्म होगा। आप सोच रहे होंगे आप पहले डालेगी क्या, ये भी मैं आपको बताती हूँ डालने का राज। हम ना टमाटर डालेंगे और ना मसाले पहले, ना हरी मिर्च, बल्कि हम पहले इसमें डालेंगे ये आलू। देख लें, इनको फ्राई नहीं करना है, इसी तरह बस यूँ डालना है। जब भी गर्म हो जाए टिक टुक करना शुरू कर दें, फिर हम मैं बताऊंगी इसमें क्या क्या डालना है पहले और क्या बाद में डालना है। जी नमाज का टाइम हो गया है, जोर के नमाज का। इंशाल्लाह इसको मैं दमा लगाऊंगी, मैंने वजू किया हुआ है, और फिर नमाज पढ़ूंगी। और आप भी पाँच वक्त नमाज पढ़ा करें, कुरान पढ़ा करें, अपने आप अपने रब को याद किया करें, क्योंकि वो आपकी शहरत से भी ज़्यादा करीब है। उसको याद करेंगे तो आप फिर वो अभी आपको याद रखेगा। वो जो बीमार है अल्लाह पास उनको शफा अता फरमाए, और वो देख रहे हैं मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर बराबर है, अल्लाह पास अगर उनके घर में कोई परेशानी कर दिया तो अल्लाह पास ख़त्म फरमाए, अपना गलत फरमाए आप लोगों को अल्लाह पास। लग रहे हैं ताज़े आलू अच्छे माशा से। ये अगर मैं बनाते हुए रहती हूँ, मेरा कैमरा इधर आया तो प्लीज़ माजरे के साथ, क्योंकि मैं एक हाथ से बनाती हूँ दूसरे से कुकिंग करती हूँ। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें, और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। रेड बटन का निशान होता है, राइट तरफ है या लेफ्ट तरफ है, उसको प्रेस करेंगे तो फिर बेल आइकन का निशान आएगा। ऊपर वाले बेल को प्रेस करेंगे तो मैं हर वीडियो आप तक पहले पहुँचूँगी। ठीक हो गया, अब हम इसमें डालते हैं जैसे कि कितना भी शुरू हो जाते हैं थालियाँ मार के डाल दिया। इसके बाद हमने डाले हैं टमाटर। ठीक है, ये ऐसी रस्सी है ना कि आप इसको दमा लगा के सीधा नमाज से जा सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टमाटर भी नहीं डालने, बस तीन एक किलो में तीन टमाटर बहुत अच्छे हैं, कितने मिलने के नहीं बस दरमियाने से इतना। अच्छा जी, मैं कह रही थी बता रही थी इस तरह डाल के, तो पता नहीं है बार बार कौन बल्ले देता है, हैं कोई सुख नहीं आराम नहीं, आग लगी हुई ना कहीं किधर किधर। ज़रा मैं देखूँ कौन। ठीक है, ये आज मैं भुजिया बना रही हूँ आलू का, इसलिए बाहर से आए हैं तो उनको खेल के। हाँ चलें, आपकी फेवरेट चीज़ भी बना रही हूँ, आलू का भुजिया, आलू का भुजिया बना रही हूँ मज़े मज़े का। चलें देखते हैं जूस बनाते हैं फिर। ठीक है, अब हमने डाले ये देख लें, ये मेल्ट सा हो गया है, तो ये जो है ना मैंने हल्दी सफ़ेद जीरा लौंग ये जरा सी हल्दी जरा नमक और ये लाल मिर्च ये सारी आते हैं बीच में। ठीक है, अब हम करेंगे इनको मिक्स। देख कैसे आए हैं, कैसे आए हैं
मैं ना पार्क जाते जाते ऐसे करता हूँ, उनको लगा डंडा है मेरे हाथ में, मैंने कहा चलो घर चलो घर। अब्दुलरहमान कहता है एक सेकंड, उसके बाद जो बाकी गया मैं कह सकता हूँ मैं लोग चलो चुप जाओ ठीक है। अब ताकि इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, ठीक है। फिर इसमें हम डालेंगे ये हरी मिर्चें यूं करके, और फिर इधर से निकाल लेंगे अपना ढक्कन, और ढक्कन जो है यूं करके रख देंगे, और देख लें बिल्कुल पार्क में इसे खेल खेल के आए थे, इतना मग दिखा के। और ये करनी है ऐसे करके स्लो आंच, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में मैं नमाज पढ़ के आती हूँ, फिर इसके बाद में चलें जी। अब 10 मिनट हो गए मैं नमाज पढ़ के आ रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और देखे मैं अभी बना करके गई थी, नूडल बना रहे थे, और अल्लाह तआला देख लें ज़रा ये जी किचन का हाल हो गया पीछे है। एक कड़ी हस्ती ने जूस बनाया है जी, मेरी है अब्दुल रहमान की हस्ती में, माशाल्लाह वो क्या करे, किधर जूस किधर आया है, जूस निकला कतरा मैंने कहा के बंदो किसके लिए बनाया है, अपने लिए मेरे लिए, हाय ओए गंदा अब तो ने मारे में गंदे गंदा जूस, चुंदर वाला कोई अच्छा तो नहीं मारा है स्वाद आ गया भाई, थोड़ा अब मुंह मारना सारे जमाने ने पीना है, थोड़ा सा भी। चलो जी अब तो जो रह गया तू पी ले, ये देखे अल्लाह, ये देखो ये जी ए नूडल नहीं करे मेरी रेसिपी अगर रह गई लड़ाइयां बखुदा के बंदो, डालो इसमें पानी जरा 1.5 कप से पानी डालो, और ये देखो ये नूडल बनाए हैं, ये वो बना मार यूं लगता है कि चावल लगा के रख देंगे। चले 10 मिनट हो गए, और ये देखिए और इसने खुशबुएं छोड़ी हुई हैं, अभी ये थोड़ी सी आँच तेज करती हैं, नीचे से मैंने थोड़ी सी आँच तेज कर दी है, ये अब इसका पानी ज़रा सॉस हो जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आलू बन गए हैं ये ले। और इसमें से हरी मिर्चों की भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है, और ये साथ लौंग की, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये आज तक किसी ने नहीं बनाई होगी इस डिज़ाइन की, इस स्टाइल की। एक मैं आलू का भुजिया एक भी बता भी चुकी हूँ आपको, और ये एक और आलू का भुजिया है जो बगैर लहसुन और अदरक और तो क्या कहते हैं ये हल्का हल्का से मिलता है, ये बन गया स्टेडियम, और इसके ऊपर से हम गार्निश कर देते हैं हरे धनिये को, ये जी पक चुका है देखिए माशाल्लाह। और इसी दुआ के साथ चाहूँगी जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, और अल्लाह आपको अपने घर का दीदार नसीब फरमाए आमीन, और किसी के तफायल अल्लाह पाक मुझे भी अपने घर में बुलाए आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़, और जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।